बैटरी का निर्माण करेगा। अब इस न्यूज टेस्ला को लोगों ने एलन मस्क की टेस्ला से मिला दिया, ये समझना आपको कि आपको, और इसी कारण से मैं आपको बताता हूं कि सच सुनिए, सच की तरफ चलिए और लालच वाली चीजों को त्यागिए। सर सुन, देखो सर, ये तो फुल टाइम शेयर मार्केट तब किया जाता है जब हम शेयर मार्केट से इतना पैसा कमा लेंगे जितना हम अपने परिवार और जमा सा। इसके अंदर बुरा था कि भैया 30 में अटक जाता, 25 में अटक जाता, 20 में अटक जाता, 15 में अटक जाता, लेकिन ये शेयर 10 से नीचे आ गया। FIs को इस शेयर से कोई मतलब है ना, DIs को इस शेयर से मतलब है, मतलब है इस शेयर से सिर्फ पब्लिक को। और पब ऊर्जा मंत्रालय, अब ये नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का एक संबंध ऊर्जा ग्लोबल से भी है, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। बात करेंगे काफी चर्चाओं में जो शेयर है 20% का उसने अपर सर्किट लगा दिया, और सुनने में आ रहा है कि इसने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप कर ली है, उनको ये बैटरी बनाकर देगा। नमस्कार, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर IOC की, सुजलोन एनर्जी की, BCG की, और बात करेंगे काफी चर्चाओं में जो शेयर है 20% का उसने अपर सर्किट लगा दिया, और सुनने में आ रहा है कि इसने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप कर ली है, उनको ये बैटरी बनाकर देगा, जिस शेयर का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इसने पहले काफ़ी ऊंचाई हमें 33 रुपये तक दिखाई थी, फिर उसके बाद शेयर ने रुला दिया है। तो अपने को हर संभव प्रयास करने हैं कि हमें मार्केट में अपने को धोखा कभी भी ना हो, तो उसके हम प्रयास करेंगे। और इसी कारण से मैं आपको बताता हूं कि सच सुनिए, सच की तरफ चलिए और लालच वाली चीज़ों को त्यागिए। सर सुनने में आपको मिला होगा, आपको काफ़ी लोग कहते हैं भाई मैं तो फुल टाइम ना शेयर मार्केट करूंगा। देखो सर, ये तो फुल टाइम शेयर मार्केट तब किया जाता है जब हम शेयर मार्केट से इतना पैसा कमा लेंगे जितना हम अपने परिवार और जमा और अलग तरीके से उस इन्वेस्ट करने के तरीकों को और ज़्यादा कर देंगे, तब जाकर ये काम होता है। हर एक बंदा विजय केडिया और राकेश झुनझुनवाला नहीं होता, और कोई भी इस तरीके की प्रणाली जो आपके मन में भरता है कि सारा काम छोड़ो और शेयर मार्केट में लगाओ, तो ये बिल्कुल गलत है। हम चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, हम चाहे बिजनेस कर रहे हो, हम चाहे कुछ काम कर रहे हो, हम चाहे कोई भी प्राइवेट जॉब में हो, तो ध्यान रखना एक एक्स्ट्रा काम हमारे पास होना चाहिए, ये आपको हमेशा समझना है। चाहे आप सरकारी नौकरी है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसके अलावा भी एक काम होना चाहिए। उसे आप शेयर मार्केट से भी जोड़ सकते हैं, उसे आप कोई और बिजनेस के लिए भी जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि एक ही चीज़ पर डिपेंड हमें कभी नहीं रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि एक काम से कुछ भला किसी का होता नहीं, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए अपने वो परतें खोल दीजिए दिमाग की जो आपको निरंतर, जो दूसरा काम है ना वो पहले काम से भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले काम को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी मोह माया अपने आप पहले काम से बिल्कुल नहीं त्यागनी है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और दूसरा काम अगर आप शेयर मार्केट में जोड़ रहे हो, अलग तरीके से कुछ जोड़ रहे हो, उसे निरंतर ध्यान पे रखना है, क्योंकि एक काम से हमारा भला नहीं हो पाएगा। सबका तरीका शेयर मार्केट का अलग अलग है, ये ध्यान रखना कि आप जो सोचते हो, मैं जो सोचता हूँ, कुछ और कोई सोचता है, ये सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। BCG के शेयरों को मैंने बेचा, मैंने अपनी एनालाइज से बेचा, और मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आपको भी बेचना है, पर आपको एक चीज़ बताई है कि आपको सिचुएशंस को समझना है। नई खरीदारी करने का मेरा कोई भी इसके अंदर अब कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि जो सेबी का मसला है वो अभी भी इसके साथ लग रहा है। फिर भी कुछ लोगों को वो प्रतिक्रिया, वो भावना मेरी समझ नहीं आ रही है, उन्हें लगता है कि मैं उनके शेयर बिकवा रहा हूँ। भाई मैं पहले कह रहा हूँ, मैं किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि शेयर आपके हैं, लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा, पर एक सिचुएशन जो आपके नज़रों में होनी चाहिए वही तो मैं आपको बता रहा हूँ।
शंकर शर्मा जी के जितने भी उनके शेयर है सबसे पिटा हुआ स्टॉक है ये ब्राइडकॉम, जिन पे उनको ज्यादा विश्वास था। यह आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े एनालाइज करने वाले जो कह रहे हैं कि इससे अभी थोड़ी दूरी और संभल कर रहना है वो गलत कह रहे हैं, तो ये भी आपको आगे जाकर पता लग जाएगा। बहुत से कुछ चीज़ें हमें उस तरीके से किसी से पूछनी चाहिए कि दूसरा बताने वाला फिर वो आपको और अच्छे तरीके से वो चीज़ बताए। मेरे से दो लड़कों ने, यानी कि दो नौजवान ही होंगे, वो उस तरह से पूछते हैं कि क्या बकवास कर रहा है, सबके शेयर बिकवा देगा, इसी शेयर को 100 रुपये दिखा दूंगा। भाई ये जो भी चीज़ आप एनालाइज कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप ही जीते हैं इससे, पर वो संयम से जीतोगे आप। इस तरह नहीं किसी पे ब्लेम लगा कर कि आप एनालाइज कर रहे हो गलत है। मैं सिचुएशंस के अनुसार एनालाइज करता हूँ, मैं अपने को बचा कर एनालाइज करता हूँ, और वो ही आगे जाकर परफेक्ट होती है। भावनाओं में, मैंने कहा ना, तेजी की भावनाओं में, लालच में कभी भी हमें बहना नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात ये बता दूँ। तो 2-3 ने कमेंट किए कि ये शेयर 100 रुपये तक जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ 200 तक जाए, पर हमने अपने को फिलहाल इसलिए बचाया है, सेबी का मसला है, क्योंकि जब ये शेयर नीचे की तरफ था तभी मैंने आपके अंदर उमंग भी जगाई थी कि भाई अपने लॉस को बुक नहीं करना है, क्योंकि हमने अपने लॉस को बुक नहीं करा है। हम यहाँ पर इसलिए यहाँ राजा बने हुए हैं कि हमने इस स्टॉक से लॉस बुक नहीं किया है, और जब इसके अंदर सिचुएशन सब कुछ अच्छी होगी तब वो आगे जाकर होगा। ये मैंने एक रूपरेखा आपके लिए बनाई है। बताने को तो इसके अंदर आपको मैं क्या क्या बता दूं, लेकिन आपको समझना है कि जो शेयर के साथ एक गुड और बैड जुड़ी हुई होती है उसमें आगे जाकर गिरावट होती है। सबकी एनालाइज अलग अलग होती है, पर दर परत मैं अपनी एनालाइज के आपके सामने बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा कि मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूं, बल्कि बताऊंगा कि आगे जाकर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, होना ना होना भगवान के ऊपर है। पर एनालाइज करने का ढंग जो है वो एक परफेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी एनालाइज करने वाले को हम गलत नहीं कह सकते। अब दो लड़कों ने मुझे ऐसा बोला, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी एनालाइज अगर ये 100-200 तक जाए तो मैं सोचता हूँ कि वो जीते, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो अपनी एनालाइज को अलग निखार तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, और BCG से मेरा हिसाब जो लग रहा है मुझे, तो दूर रहना पड़ेगा सर। बाकी आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हो। IOC हमारी देश की सबसे बड़ी तेल निर्माता कंपनी, उत्पादन वाली कंपनी, अच्छे काम करने वाली कंपनी IOC, जो तेल के क्षेत्र में, पेट्रोल के क्षेत्र में बेस्ट बनी हुई है, अब उसने सर रिलायंस की KG गैस का अधिग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाले में उभरा है, IOC उभरा है। ये दूसरी नीलामी है जिसके अंदर उसने सबसे बड़ी बीडर के रूप में उभरा है। तो IOC जिस तरीके से अपनी जो प्रतिक्रिया को बढ़ाता जा रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्री की KG गैस को खरीदने के लिए बड़ी बोली लगाने में शुमार है, क्या ये कंपनी हमें कुछ बेकार लग रही है? मैंने कहा ना कि सर देश में 3 कंपनी HPCL, BPCL और IOC ये एक ऐसा साम्राज्य बिछाकर बैठे हैं जिसके अंदर ये अपने पेट्रोल पंप में, चाहे बैटरी का वितरण हो, चाहे उसके अंदर CNG के बारे में हो, एथनॉल की चीज़ें हो, बैटरी की बिक्री हो, ये सारे प्रक्रिया में IOC ही लगा हुआ है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो बेस्ट काम IOC ने कर दिया है, बड़ी बोली लगाकर सबसे ऊपर की तरफ बोली लगाई है IOC ने रिलायंस की KG गैस को खरीदने के लिए। अभी IOC का थोड़ा सा भाग में ऊर्जा ग्लोबल के शेयरों के बारे में जब आपको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर थोड़ा सा एक भाग IOC में बताऊंगा किस तरीके से IOC और ऊर्जा ग्लोबल जो हैं आपस में एक ही चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, ये मैं आपको अभी आगे जाकर बताऊंगा। बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सुजलोन एनर्जी की रूपरेखा मेरे हिसाब से 2030 में बेस्ट है, फिर क्लियर कर रहा हूँ। बीच में तेजी आएगी, 18 से 19 रुपये तक ये शेयर जाने की उम्मीद में भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, पर समय समय पर अपने को बचाना, अपने प्रॉफिट को लेना बनता है, ये भी मैं आपको बता दूं।
देश हो विदेश हो सारे के सारे नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर जागरूक बनाने के लिए हमारे नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय 15 जून को एक सम्मेलन करने वाला है, जिसके अंदर वो नवीनीकरण ऊर्जा के तहत पवन ऊर्जा को जो उपलब्धि होती है उसका विस्तार होता है उसके बारे में नॉलेज होती है उसको देने के लिए 15 जून का एक सम्मेलन MNRE के द्वारा किया जा रहा है, जो है नवीन एंड नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब ये नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का एक संबंध ऊर्जा ग्लोबल से भी है, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। सर ध्यान रखना कि जब हम अपनी एनालाइज से पर दर परत खोल देते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर कि लोग मुझे कहते हैं सर इस चीज़ की एनालाइज कर दो, इस शेयर के बारे में बता दो। देखो सर मैं हर एक शेयर के बारे में बताऊंगा, मेरा एक स्टूडियो ऊपर बन रहा है, मैं उसके अंदर बहुत बिजी हूँ और उससे पहले जो मेरा पहला मेडिसिन का काम है उसे मैं छोड़ नहीं सकता। वो मेरा एक ऐसा काम है जो मेरे दिल से जुड़ गया है, क्योंकि मैं कई कई लोगों से मिलता हूँ तो उसमें मुझे आनंद सा आता है, तो वो मैं काम छोड़ नहीं सकता। तो उस काम से मैं 3 से 4 बजे तक घर में आता हूँ, फिर 5 से 6 बजे तक मैं अपनी छत पर चले जाता हूँ, फिर वहाँ पर उन शेयरों के बारे में देखता हूँ जो उस दौरान मैं कुछ नॉलेज लेता हूँ। तो आज मैंने ऊर्जा ग्लोबल के बारे में देखा क्योंकि आज है संडे, तो आगे जाकर भविष्य में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो वहाँ पर मैं फिर जो जो आप वीडियो कहने कहते हो मैं उसके बारे में कम से कम 5-5 घंटे देखना पड़ता है सर एक शेयर के बारे में, ये ध्यान रखना। तो वो मेरे लिए अभी संभव नहीं है, इसलिए मैं जिन चीज़ों को रात के 12 से 3 बजे तक देखता हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये एनालाइज करने वाली चीज़ एक एकांत की चीज़ होती है, ये सबके साथ नहीं होती, फैमिली के साथ बैठकर, तो इसके लिए एक अलग से चीज़ होती है। वो मैं ऊपर अपना मेरा काम चल रहा है, ये भी कमरा खाली रहता है, जैसे हमारे 4-5 कमरे तो ऊपर ही ऊपर हैं तो इसमें भी खाली है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिस्टर्बेंस हो जाता है, मजदूर ऊपर आ रहे नीचे जा रहे एक डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसमें भी उलझा पड़ा हूँ, इसलिए मैं व्हाट्सअप में भी कई कई लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। फिर मैं वो भी सीरीज एक शुरू करूँगा कि न्यूमरोलॉजी वाली, उसके अंदर भी मैं रात को 10 से 11:30 बजे तक देखा करूँगा, वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी विलम्ब है क्योंकि मेरा भी काम बन रहा है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि सुजलोन पर अगर आपको विश्वास है कि पवन ऊर्जा पर अच्छा काम देश कर रहा है विदेश कर रहा है और ये अपना जो भी गीगावाट को बढ़ाता जा रहा है वो विदेश में ज़्यादा बढ़ा है और इंडिया में ही सबसे बड़ा इस चीज़ का निर्माता है, तो वाकई में ये शेयर रखने वाले हैं। देखो सर हर एक शेयर में ना जब हमारा प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाता है तो वो कमज़ोर करके जाता है कि भाई इसका काम कुछ नहीं है, तो वहीं एक सिचुएशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे इसका काम पसंद है। और जब ये अडानी को, टोरेंट पावर को या फिर अलग अलग जिस तरीके से बाहर की कंपनी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी में कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं उनसे भी ऑर्डर ये प्राप्त कर रहा है, ऑर्डर ये अब अच्छा गुणवत्ता वाला पकड़ने की कोशिश में लगा है और हाल ही की तेज़ी ने आपको एक अच्छी सी उमंग इसके अंदर दिखाई है, तो ये उमंग को तोड़ना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि ये शेयर यहाँ से 19 जाएगा, जाने को ये 8 भी आ सकता है, पर आपको एक चीज़ नहीं तोड़ना है कि अगर 15 जून को MNRE की तरफ से नवीन एंड नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जागरूक पवन क्षेत्र में करने के लिए चीज़ें हो रही हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये आगे जाकर अपने विस्तार को सुजलोन एनर्जी बढ़ाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी पेनी स्टॉक हैं उनमें से मुझे सबसे बेस्ट काम ना सुजलोन एनर्जी का लगता है, ये दिल पर बसा लेना। और 2030 के लक्ष्य के साथ और 15 जून की जो इनका सम्मेलन है उसकी एक दिशा के साथ इस शेयर को रखना, ये नहीं कि ये 19 में जाएगा जी इसलिए रखूँगा जी और 12 में आएगा तो बेच दूंगा जी, ये तो कभी नहीं करना है। प्रॉफिट हमेशा अपना जरूर देखना है, प्रॉफिट के लिए ही काम करो, प्रॉफिट ही सब कुछ है। अब बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सबसे पहले एक चीज़ बताऊं कि नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ये काम करता है ये शेयर ऊर्जा ग्लोबल, ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है जो स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर हो गया, ई रिक्शा की बैटरी होगी, अलग तरीके की बैटरी के निर्माण में और अलग तरीके के सोलर पैनल के निर्माण में कंपनी ऊर्जा ग्लोबल लगी हुई है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जनवरी 2022 में ₹33.40 की तरफ ये शेयर ने हाई लगाया और उससे पहले ही काफ़ी वीडियो मैंने इसके अंदर बनाई थी, मैंने कहा कि तेज़ी में हमें इस शेयर में फंसना नहीं है,
क्योंकि सेबी भी कई पेनल्टी इनके आ चुका है कुछ कामों के द्वारा, और कुछ भी इनके जो काम है वो भी कुछ अलग तरीके से इसके अंदर गलत हुए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पेनल्टी वाली चीज़ें वाली न्यूज भी निकल कर आई है। ये मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया है। जब शेयर आपका 7-8 रुपए से उछाल कर जनवरी 2022 में 33.40 रुपए में अटका, ऐसा इसके अंदर बुरा था कि भैया 30 में अटक जाता, 25 में अटक जाता, 20 में अटक जाता, 15 में अटक जाता, लेकिन ये शेयर 10 से नीचे आ गया। तो अब ये हमें समझना है कि ये जो बार बार कोई भी चीज़ें निकल कर आती हैं उस उछाल वाली, तो हमें समझना है कि कंपनी के अंदरूनी काम कैसे हैं। मार्च 2020 में इन्होंने जो टोटल सेल करी थी वो करी थी करीब साल दर साल की बता रहा हूँ 163.56 करोड़ की। फिर मार्च 2021 में इन्होंने जो सेल करी है 148 करोड़ रुपए करीब की, टोटल पूरे साल में 148 करोड़ की। फिर मार्च 2022 में इन्होंने जो सेल की है वो करीब 72 करोड़ की। फिर मार्च 2023 में, यानी कि मार्च 2022 से मार्च 2023 तक इनकी सेल है टोटल मिलाकर 39 करोड़ की। अब आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये 2020 से 2023 तक अपनी सेल को कम करता गया, 163, 148, 72, 39। यहां क्या है, इसकी सेल कम होती जा रही है, और जब किसी कंपनी की सेल कम होती जाती है तो समझ लो कि उसे कहीं से ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिले, कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी जाकर उसकी सेल कम हो रही है। और जब सेल कम होती है, किसी कंपनी की एक पिलर होता है सेल, कि जब किसी व्यापार में सेल अच्छी नहीं होगी तो उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे, उसके ऊपर कर्जे चढ़ते जाएंगे, उसके आने वाले दिन में भी चीज़ें कम होती जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसने अपनी सेल 2020 से 2023 से लगातार 163 से 39 करोड़ पर लाकर दी, 163 करोड़ से 39 करोड़ पर लाकर दे दी है। खास बात इस कंपनी की है कि ये प्रॉफिट करती है, चाहे वो 6 लाख का हो चाहे 9 लाख का। इस क्वार्टर फोर में इसने जो अपना प्रॉफिट किया है 9.23 लाख का इसने प्रॉफिट किया है, तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है चाहे वो 6 लाख का हो चाहे वो 9 लाख का हो। तो कंपनी के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, लगभग ये कर्ज मुक्त कंपनी है। आपको समझना पड़ेगा कि ई रिक्शा का विस्तार बढ़ता जाएगा, और उसके अंदर जो बैटरी का काम ऊर्जा ग्लोबल करता है, ये एक बेस्ट तरीके से मुझे लग रहा है। सर ध्यान रखना सर, ना FIs को इस शेयर से कोई मतलब है, ना DIs को इस शेयर से मतलब है, मतलब है इस शेयर से सिर्फ पब्लिक को, और पब्लिक इसके अंदर बढ़कर हो गई है 71.35% 2023 मार्च में। और ध्यान रखना सर, प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, और कम करके उनकी होल्डिंग है 28.65% की। तो यहां पर दो चीज लड़ रही है आपस में, एक तो प्रमोटर और एक आपका पब्लिक। और FIs की नजरें जब किसी शेयर में ना हो, या DIs की नजरें जब किसी शेयर में ना हो, वहां पर कुछ प्रॉब्लमें आ जाती हैं आगे जाकर। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर पब्लिक ज्यादा है, और इस पब्लिक को ये अभी शेयर तेजी में आएगा, ये तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि न्यूज में क्या है, सुजलोन को छोड़ो और ऊर्जा ग्लोबल को पकड़ो। एक बात मैं आपको समझा दूं कि इस शेयर के अंदर पंख क्यों लगे, पंख इसलिए लगे कि टेस्ला पावर इंडिया के साथ इन्होंने समझौता किया है, और उनके लिए ये बैटरी का निर्माण करेगा। अब इस न्यूज टेस्ला को लोगों ने एलन मस्क की टेस्ला से मिला दिया, ये समझना आपको कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, टेस्ला पावर इंडिया जो USA का एक ब्रांड है, और टेस्ला जो एनर्जी वो भी USA का ब्रांड है, वो है एलन मस्क का, तो कंपनी डिफरेंट है, कंपनी डिफरेंट है, ये आप समझना। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि MNRE यानी कि नवीन एंड नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ये एक ना एक स्वीकृत पार्टनर है, ये ऊर्जा ग्लोबल, जिस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा की एक मीटिंग 15 जून को होने वाली है, तो ऊर्जा ग्लोबल उसका एक ना पार्टनर है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ये एक बेस्ट मुझे चीज़ लग रही है, क्योंकि नवीन एंड नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय आगे जाकर या अभी से बहुत बेस्ट है,
क्यों बेस्ट है? क्योंकि सारी की सारी दिशा नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ है और उसका एक पार्टनर ये सरकारी टेंडर भी पकड़ लेता है। ये ऊर्जा ग्लोबल है तो बहुत बेस्ट, लेकिन आने वाली दिशा कहीं जब इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें और हो जाएंगी। तो किसी के लिए बैटरी बनाने से 20% का जो अपर सर्किट इसके अंदर लगा तो वो तब होगा जब वो उसके लिए काम करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर पार्टनरशिप करने से अपर सर्किट लग जाते तो मैंने अभी आपको कहा था ना कि IOC में क्यों नहीं लगे। 27 अप्रैल 2023 को टेस्ला पावर इंडिया ने IOC के साथ एक पार्टनरशिप की कि उनके जो देश भर में 36,000 पेट्रोल पंप है उसके अंदर वो बैटरी बिक्री वितरण और सर्विसेज का काम करने के लिए साझेदारी कर रहा है। कौन कर रहा है? टेस्ला पावर इंडिया। तो टेस्ला पावर इंडिया ने इससे पहले एक समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भी किया है। तो अगर ये टेस्ला पावर ने जब इस तरीके का एक समझौता जिसमें बैटरी बेची जाएगी वो किया है IOC के साथ, तो इसका मतलब टेस्ला पावर इंडिया बेस्ट तो है। और अब उसने जो देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनी के साथ हाथ मिलाया है तो ये बेकार नहीं है, ये एक आपको समझना पड़ेगा। अब उसी कंपनी ने ऊर्जा ग्लोबल के साथ एक बैटरी का निर्माण करने के लिए विस्तार किया, उनसे वो बैटरियाँ खरीदेगी। तो ऊर्जा ग्लोबल इस न्यूज से बेस्ट बन रहा है, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर जो कंपनी IOC के साथ पार्टनरशिप कर रही है और वही कंपनी अगर किसी पेन स्टॉक के साथ पार्टनरशिप करे तो उस शेयर की तो बल्ले बल्ले आएगी, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर ये पार्टनरशिप बिल्कुल वाकई आगे जाकर भी हमें लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं फिर उस दौरान ये शेयर चलेगा। पर आपको अपने मन में समझना है कि इससे पहले शेयर 33 रुपये के चक्कर काट कर भी फिर दोबारा नीचे की तरफ आया है। तो मैंने आपको बता दिया कि MNRE नवीनकरण ऊर्जा के तहत एक 15 जून को सम्मेलन होने वाला है और MNRE का ही एक पार्टनर है ऊर्जा ग्लोबल। और टेस्ला पावर इंडिया ने जिस तरीके से IOC के साथ एक पार्टनरशिप की थी तो एक पार्टनरशिप खरीदने के लिए बैटरी में निर्माण तो सर ऊर्जा ग्लोबल करते हैं उसके साथ भी किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी ऊर्जा ग्लोबल में तेजी के संकेत बन रहे हैं और इस बात से गुमराह बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये आपको टेस्ला के साथ ये पार्टनरशिप है, वो कंपनी अलग है एलन मस्क की। तो ये कंफ्यूजन वाली चीज़ों को हमें हटाना है। मैंने आपके सामने ऊर्जा ग्लोबल की सेल रख दी, ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर सेबी से पहले पेनल्टी भी लग चुकी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। 33 रुपये करीब का ये शेयर पहले भी भागकर फिर नीचे की तरफ आया ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। FIs और DIs और उनकी नज़रें बिल्कुल भी इस शेयर में नहीं है और इतनी बड़ी जो न्यूज़ टेस्ला पावर इंडिया के साथ आई है तो ये बैटरी खरीदने के लिए, अब देखा जाएगा कितनी बैटरी के लिए चीज़ें की गई हैं, तो इसको भी नॉर्मल लो, हम उत्सुकता के तहत ही फंस जाते हैं। तो ये शेयर से मुझे लगता है कि अगर हमारी उम्मीद है तो वो होगी 5 से 10 साल की। तो यहाँ पर गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है और अगर आपको आगे जाकर तेजी इसमें दिख रही है तो अपने प्रॉफिट की तरफ भी विशेष ध्यान देना है। BCG में मैं फिर कह रहा हूँ जिस तरीके से जो न्यूज है वो बता रही है कि आगे जाकर हो सकता है लगातार भी अपर सर्किट मार दे, लेकिन आगे जाकर ये फिर से थोड़ी गिरावट करने की दिशा में भी आएगा। और IOC ने जिस तरीके से रिलायंस की जी गैस खरीदने की नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगा दी है वहाँ पर IOC बेस्ट लग रहा है। और सुजलोन एनर्जी को अगर आपको समझना है तो देश किस चीज़ के लिए काम कर रहा है वो है सर नवीनीकरण ऊर्जा के लिए और ये काम आपको 2030 में पूरा होता हुआ बेस्ट दिखेगा। तो आने वाली दिशा में सुजलोन में तेजी आ सकती है, पर समझना है कि इस तेजी को हमें कायम अपने दिमाग में बिठाकर इस शेयर को होल्ड करना है क्योंकि सुजलोन एनर्जी को पैसों की जरूरत रहेगी। अब वो किस तरीके से फिर से पैसा जुटाने की प्रक्रिया में लगाएगी फिर वहीं आपके दिल टूटेंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ऊर्जा ग्लोबल में थोड़ी तेजी के मजे, लेकिन सारी सिचुएशन को आपको सेल प्रमोटर हर चीज को जो मैंने बताया उसको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।